नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीएसएससी एनसीएल का मामला जो पटना उच्च न्यायालय में चल रहा है, उसे लेकर एडवोकेट अलका वर्मा का हमने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अपने पिछले वीडियो में लिया, जिसमें कि हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या एनसीएल का वो केस पटना हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों ने वापस ले लिया है। तो इसको बताने के दौरान अलका वर्मा ने कहा जाए कि एक तरह से फ्लो में, या कहें कि तेज़ी से बोलते हुए में, उन्होंने विड्रॉन शब्द का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने इस वीडियो को देखने के बाद हमें कॉल करके इसे संशोधित करने के लिए कहा। और वो संशोधन उन्होंने ये किया कि उन्होंने विड्रॉ करने के लिए मेंशन कोर्ट में कर दिया है। कोर्ट ने, यानी पटना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मगर जब पुटअप होगा और उसके बाद पटना हाई कोर्ट विड्रॉन का जो ये मेंशन किया गया है उसे जब एक्सेप्ट करके ऑर्डर पास कर देगा, तब ये पूरी तरह से विड्रॉ माना जाएगा। मगर फिलहाल उन्होंने ये संशोधित करने के लिए हमें फ़ोन कॉल के ज़रिए ये रिक्वेस्ट किया कि इस वीडियो में इतना संशोधन कर दिया जाए कि पिछले वीडियो में जो विड्रॉन शब्द का प्रयोग अलका वर्मा ने किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि केस वापस ले लिया गया है, बल्कि उन्होंने ये बताया कि केस वापस करने के लिए उन्होंने पटना हाई कोर्ट में मेंशन कर दिया है, जिसमें के अभ्यर्थियों द्वारा केस वापस लेने की बात कही गई है। और अब ये पटना हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, मगर अभी उसे लेकर जब पुटअप होगा और उसके बाद पटना हाई कोर्ट ऑर्डर पास करेगा तो इसे विड्रॉन माना जाएगा। मगर फिलहाल बहरहाल अभ्यर्थियों ने एनसीएल के इस केस को वापस लेने के लिए अलका वर्मा से बात कर ली और अलका वर्मा ने गुहार लगा दिया पटना हाई कोर्ट से, यानी मेंशन भी कर दिया और मेंशन एक्सेप्ट भी हो चुका है। तो आगे की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि जब पटना हाई कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाएगा तब ये केस विड्रॉन माना जाएगा। मगर फिलहाल ये अंडर प्रोसेस है, यानी कि प्रक्रिया में है, अभी ये प्रक्रिया चल रही है विड्रॉ करने की। मगर अभ्यर्थियों ने इसके लिए अपील कर दिया है अलका वर्मा के ज़रिए। तो ये संशोधन उन्होंने करने के लिए कहा कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया जब उन्होंने इंटरव्यू दिया लाइव नेशन 7 को, या कहें कि उनकी ज़बान फिसल गई और उन्होंने विड्रॉवल का जो प्रोसेस था वो अंडर प्रोसेस को उन्होंने विड्रॉन शब्द का प्रयोग कर लिया, जिसका मतलब यही माना जाए कि उस पिछले वीडियो को संशोधित करके ये माना जाए कि ये प्रक्रिया में है विड्रॉवल के, और इसको लेकर मेंशन कर दिया गया। तो अब आगे की खबरों के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद।